बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एल्गोरिथम, सूडो कोड और फ्लोचार्ट के टॉपिक को ऑलमोस्ट अंडरस्टैंड कर लिया था और आज हम कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स देखेंगे, जिसमें हम एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट को कंट्रोल स्ट्रक्चर की मदद से डेवलप करेंगे। तो दोस्तों, कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होते हैं? जिस तरह घर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी आमतौर पर माँ बाप की होती है कि बजट कितना रखना है, सेविंग्स क्या करनी है, कहाँ बच्चों के एडमिशन करवाने हैं, यानी पूरे घर को किस तरतीब से चलाना है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे पेरेंट्स की। बिल्कुल ऐसे ही जब प्रोग्रामर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्राम लिखता है, तो वो प्रोग्राम भी बहुत सी स्टेटमेंट से मिलकर बनता है और वो स्टेटमेंट्स जब एग्जीक्यूट होंगी तो उन्हें भी किसी ना किसी ऑर्डर को फॉलो करना होगा कि आया तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी, या फिर पहले प्रोग्राम के स्टार्ट की स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, फिर आखिर की और फिर बीच की, या फिर एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होगी। यानी एक प्रोग्राम किस तरतीब में एग्जीक्यूट होगा, किस सीक्वेंस में चलेगा, ये जो चीज कंट्रोल करती है वो कहलाती है कंट्रोल स्ट्रक्चर। और दोस्तों, ये देखिए, द कंट्रोल स्ट्रक्चर कंट्रोल्स हाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यानी आपका प्रोग्राम किस फ्लो में एग्जीक्यूट होगा, इसको कंट्रोल करता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। और दोस्तों, एवरी कंट्रोल स्ट्रक्चर हैज वन एंट्री एंड वन एग्जिट पॉइंट, यानी जब कभी भी हम किसी प्रोग्राम का एल्गोरिथम लिखते हैं या फ्लोचार्ट बनाते हैं, तो उस एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट को शुरू करते वक्त स्टार्ट लिख देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये इस प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट है। इसी तरह जब प्रोग्राम पूरा खत्म हो जाता है तो आखिर में एंड लिख देते हैं, जो कि ये बताता है कि ये एग्जिट पॉइंट है। यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर में हर एक एल्गोरिथम, हर एक फ्लोचार्ट का एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट होता है, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ खत्म हो रहा है। और फ्रेंड्स, किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक तरह का कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज नहीं किया जाता, बल्कि हर एक प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से कंट्रोल स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और आमतौर पर तीन तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं। नंबर वन इज सीक्वेंशियल फ्लो, जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होती हैं। नंबर टू इज कंडीशनल फ्लो या फिर सिलेक्शन फ्लो, जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट नहीं होती, बल्कि प्रोग्राम की लॉजिक के हिसाब से कुछ स्टेटमेंट्स पहले और कुछ बाद में एग्जीक्यूट होती हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो कि एग्जीक्यूट ही नहीं होती, यानी प्रोग्राम से ओमिट हो जाती हैं। एंड नंबर थ्री इज आइट्रेशन फ्लो या फिर आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, जिसमें प्रोग्राम की लॉजिक्स के हिसाब से अगर किसी स्टेटमेंट को प्रोग्रामर रिपीट करना चाहता है, यानी एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करवाना चाहता है, तो वो कहलाएगी रिपीटेशन या फिर आइट्रेशन फ्लो स्ट्रक्चर। अब आइए इनको बारी बारी डिटेल में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ सबसे पहले है सीक्वेंशियल फ्लो। दोस्तों, ये सबसे ज्यादा आसान और सिंपल कंट्रोल स्ट्रक्चर है, और इसकी डेफिनेशन देखिए। इन सीक्वेंशियल फ्लो स्ट्रक्चर वन स्टेटमेंट सिंपली फॉलोज एन अदर स्टेटमेंट इन सीक्वेंस, यानी अगर एक प्रोग्राम है जिसमें सीक्वेंशियल फ्लो यूज हो रहा है, तो वहां तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन यानी सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होंगी। जैसे मान ले आप एक वेबसाइट का एल्गोरिथम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि याद रखें हर एक सॉफ्टवेयर का पहले एल्गोरिथम डेवलप किया जाता है, फिर फ्लोचार्ट और फिर उसे प्रोग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। तो अब आप अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे कि फेसबुक का एल्गोरिथम बना रहे हैं यूजर के लिए, तो फेसबुक पर आप और पहले रजिस्टर होंगे, उसके बाद लॉगिन होंगे, और लॉगिन होने के बाद ही आप कोई भी पोस्ट को व्यू कर सकते हैं, पोस्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, और एडिट करने के बाद ही डिलीट भी कर सकते हैं। यानी यहाँ हर एक स्टेप वन बाय वन एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया, साइन अप नहीं किया, तो लॉगिन का स्टेप पर आप जंप नहीं कर सकते। इसी तरह अगर आपने कोई पोस्ट इंसर्ट नहीं की, तो ना ही आप उसको एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट। तो इस सिचुएशन में जो कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज होगा वो कहलाएगा सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ तमाम स्टेप्स एक एक करके एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिस ऑर्डर में आपके सामने लिखे हुए हैं, उसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट भी होंगे। मींस इसी तरह कंप्यूटर में भी अगर आप एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और उसमें 10 स्टेटमेंट्स मौजूद हैं, तो जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा,
तो उसी ऑर्डर में होगा जिसमें वो लिखा हुआ है, यानी स्टेटमेंट वन पहले एग्जीक्यूट होगी, स्टेटमेंट टू बाद में। मींस हर अगली स्टेटमेंट अपने पहले वाली स्टेटमेंट के बाद ही एग्जीक्यूट होगी, और इस तरह के प्रोग्राम के फ्लो को सिक्वेंशियल फ्लो कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपके सामने सिक्वेंशियल फ्लो की डायग्राम मौजूद है, ये देखिए, ये है इसका एंट्री पॉइंट और ये है इसका एग्जिट पॉइंट, और इन दोनों के दरमियान जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एक एक करके एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती जाएंगी। अब आइए इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। तो दोस्तों इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, एट अ टाइम ओनली वन स्टेप इज टू बी कैरीड आउट, यानी सिक्वेंशियल फ्लो में एक वक्त में कोई एक स्टेप, कोई एक ही स्टेटमेंट रन होगी। एवरी स्टेप इज टू बी कैरीड आउट वंस, नन इज रिपीटेड एंड नन इज ओमिटेड, यानी अगर एक प्रोग्राम में सिक्वेंशियल फ्लो चल रहा है, सिक्वेंशियल फ्लो लगा हुआ है, तो उसमें हर एक स्टेटमेंट एक ही दफा एग्जीक्यूट होगी, इसके अलावा कोई स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगी। जैसे एक प्रोग्राम में 10 स्टेटमेंट्स हैं, तो आप ये कहें कि स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो 4 बार एग्जीक्यूट हो, तो ऐसा सिक्वेंशियल फ्लो इसकी इजाजत नहीं देता। इसके साथ साथ कोई भी स्टेटमेंट ओमिट भी नहीं कर सकते, यानी निकाल भी नहीं सकते। जैसे आप फेसबुक की वेबसाइट को रन करते हैं तो पहले आपको साइन अप करना लाजमी होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट लॉगिन पर जम लगा दें और आप साइन अप और आपने साइन अप नहीं किया हुआ, तो क्योंकि ये सिक्वेंशियल फ्लो है इसीलिए इसमें किसी भी स्टेप को आप मिस नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी स्टेप को मिस करके नेक्स्ट स्टेप पर जम्प नहीं कर सकते। और ये देखिए इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूटिंग द स्टेप्स इज सेम एज दैट इन विच दे आर रिटन, जिसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जिस तरह आपका प्रोग्राम लिखा हुआ होगा बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल उसी ऑर्डर में, बिल्कुल उसी वे में वो एग्जीक्यूट होगा। अगर ये 10 स्टेटमेंट्स वन बाय वन लिखी हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले स्टेटमेंट नंबर 1 को एग्जीक्यूट करें, फिर 4 को, फिर 7 को, फिर 3 को, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि जैसा जैसा आपका प्रोग्राम लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट होगा। और एट द एंड टर्मिनेशन इज द लास्ट स्टेप इंडिकेट्स द एंड ऑफ द एल्गोरिथम, और आखिर में प्रोग्राम एल्गोरिथम या फिर फ्लो चार्ट में जैसे ही आप एंड लिख देंगे तो वो ये शो करेगा कि आपका एल्गोरिथम अब खत्म हो चुका है। तो दोस्तों ये था सिक्वेंशियल फ्लो। अब आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, इसके इसके जरिए कुछ फ्लो चार्ट्स और एल्गोरिथम्स को बनाते हैं। तो डिफरेंट हमारे सामने एक एग्जांपल मौजूद है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम टू फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स, यानी यहाँ पर हमें एल्गोरिथम बनाना है और फ्लो चार्ट जिसमें हमें ये शो करवाना है कि दो नंबर्स का सम उनका रिजल्ट शो करवाना है। फॉर एग्जाम्पल दो नंबर्स है 1 + 2, 1 और 2, तो हम इनको प्लस करेंगे तो बनेगा 3, तो वो हमें शो करवाना है। तो हम सबसे पहले इसका एल्गोरिथम बनाएंगे और उसके बाद हम इसका फ्लो चार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले स्टार्ट लिखेंगे, स्टार्ट लिखने के बाद रीड ए यानी नंबर ए जो है वो इनपुट करें, तो यहाँ पर हमने नंबर ए ले लिया 529। उसके बाद रीड बी यानी नंबर 2 इनपुट करें यानी नंबर बी इनपुट करें, तो बी में हमने ले लिया 256। इसके बाद स्टेप 4 में हमने किया कैलकुलेट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी यहाँ पर हमने इन दोनों को सम करवा दिया और सम करने के बाद जो भी रिजल्ट था उसको इस एस यू एम सम वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और उसके बाद इस सम को हमने प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करने के बाद हमने ये एल्गोरिथम एंड कर दिया। अब दोस्तों अगर आप इस एल्गोरिथम या फिर इस फ्लो चार्ट को देखें तो आप ये देखें कि ये फ्लो लाइंस आपको बता रही हैं कि ये जो एल्गोरिथम है ये सिक्वेंशियली फ्लो में सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी इसके अंदर जो तमाम स्टेटमेंट्स हैं वो वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही हैं। पहले स्टार्ट वाली एग्जीक्यूट होगी, फिर रीड ए वाली, फिर रीड बी, फिर कैलकुलेट वाली, फिर प्रिंट वाली और फिर एंड, यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट मिस नहीं हो रही, कोई स्टेटमेंट बीच में से ओमिट नहीं हो रही और कोई भी स्टेटमेंट अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रही। तो इस तरह का फ्लो चार्ट, इस तरह का एल्गोरिथम कहलाएगा सिक्वेंशियल फ्लो चार्ट और सिक्वेंशियल एल्गोरिथम, जिसमें तमाम स्टेटमेंट्स सिक्वेंशियली अपने आप को एग्जीक्यूट कर रही होंगी, हर स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट को फॉलो करते हुए एग्जीक्यूट हो रही होगी, यानी अपनी पहली स्टेटमेंट के बाद ही एग्जीक्यूट होगी, तो ये कहलाएगा सिक्वेंशियल फ्लो। आइए इसकी एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ड्रॉ अ फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम टू फाइंड द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स। दोस्तों आप सब जानते हैं कि हमने बचपन से एवरेज को पढ़ना सीखा है कि एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, कि आप 5 नंबर्स को जिन भी नंबर्स का जितने भी नंबर्स का आप एवरेज निकालना चाहते हैं उनको उसी से
आपको डिवाइड करना होता है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप 5 नंबर्स को एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप सबसे पहले उन पांचों नंबर को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद 5 से ही डिवाइड करेंगे। अगर आप 3 नंबर्स का एवरेज निकालना चाहते हैं तो आप पहले तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद 3 से ही डिवाइड करेंगे। तो आइए अब हम इसका एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि हमें 5 नंबर्स का एवरेज चाहिए तो हमें 5 नंबर्स इनपुट भी देने होंगे। हमने यहाँ पर 5 वेरिएबल लिए और 5 वेरिएबल के अंदर हमने 5 नंबर्स स्टोर करवा दिए। अब हमें सबसे पहले एवरेज के फॉर्मूले के थ्रू पहले हमें तमाम नंबर्स को सम करना है। तो हमने एक सम वेरिएबल लिया जिसके अंदर ये तमाम, यहाँ पर डी नहीं लिखा हुआ आप लिख लीजिएगा, यहाँ पर हमें तमाम नंबर्स को सम करवा लिया। सम करवाने के बाद उसका रिजल्ट इस SUM वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने इस सम को डिवाइड करवा दिया 5 से, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 नंबर्स थे। अगर 3 नंबर्स होते तो हम यहाँ पर 3 से डिवाइड करते और आखिर में हमने रिजल्ट को प्रिंट करवा दिया और प्रिंट करवाने के बाद अपना एल्गोरिथम एंड कर दिया और बिल्कुल फ्लो चार्ट भी इसका इसी तरीके से बना है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर भी गौर करें तो आपको नजर आ जाएगा कि यहाँ पर हमने किसी भी स्टेटमेंट को ओमिट नहीं किया, किसी भी स्टेटमेंट को रिपीट नहीं किया और तमाम स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो इस तरह का फ्लो कहलाएगा, इस तरह का प्रोग्राम कहलाएगा सीक्वेंशियल प्रोग्राम, सीक्वेंशियल फ्लो चार्ट और सीक्वेंशियल एल्गोरिथम। तो डिफरेंस ये था कंट्रोल स्ट्रक्चर और कंट्रोल स्ट्रक्चर की पहली टाइप सीक्वेंशियल कंट्रोल स्ट्रक्चर। अगले लेक्चर में हम इसकी मजीद टाइप्स सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर की डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।